साथियों नमस्कार। आज हम प्रयागराज के विधानसभा सुराम में पहुँचे हैं, एक दलित बस्ती में, जहाँ पर देखा जाए तो बहुत सी भीड़ है। अम्मा दादा ऐसे लोग उपस्थित हैं। हम बात करेंगे ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, जो 2022 के चुनाव होने वाले हैं उन पे बात करेंगे कि आगे सरकार किसकी बनेगी, क्या योगी जी फिर से आ रहे हैं या लौट रहे हैं या जा रहे हैं, ये लोग किसको समर्थन करते हैं, ये लोग किसको वोट देंगे, किसकी सरकार पसंद करते हैं। तो दादी जी ये बताइए, अब की बार जो चुनाव होने वाले हैं, अब की बार किसको सरकार के रूप में देखना चाहते हैं? मायावती का। अच्छा, मायावती को। क्या ये जो सरकार चल रही है योगी की, क्या अच्छी नहीं है क्या? अच्छी हो तो कहे कहा भाई, का देता है ना, कलोनी देता है ना, पीसी देता है, लड़की शादी करे शादी में पैसा नहीं आए, भरा को मिला ना संडास मिली, एक को कुछ तो नहीं मिला। अच्छा, जो राशन मिल रहा है ये तो मिलना चाहिए ना? हाँ, राशन मिला था। तो 5 किलो मिल रहा है आपको? हाँ हाँ, 5 किलो में पालन हो जाता है? हाँ, अरे पालन का हो जाता, 5 किलो का कई महीना चले। महंगाई जो है, बेरोजगारी जो है, इस पर भी आपका क्या विचार है? अरे भाई विचार का है, दिक्कत बहुत हमको लोग का है, कुछ का मिलता है कुछ तो नहीं मिलता है ना, कमाई दिखाई ना। अच्छा हाँ, अच्छा, इसलिए जो है सरकार बदलना चाहते हैं। हाँ, आप सरकार किसकी बनाना चाहते हैं? मायावती की। अच्छा, मायावती का। हमारे साथ में बुजुर्ग दादा भी हैं, इनसे भी जानेंगे कि 2022 के जो चुनाव होने वाले हैं ये चुनाव को किस नज़र से देख रहे हैं, किसकी सरकार बनाना पसंद करते हैं। तो दादा जो है महंगाई, बेरोजगारी और ये जो चुनाव होने वाले हैं इस पर भी बात होनी चाहिए, तो किसकी सरकार आप बनाना चाहते हैं? हम सरकार मायावती चाहते हैं, जो कि योगी जो दे रहा चावल और गेहूँ के सूखा खाएंगे, पूरा काम लोग बंद कर दिया है, पूरा बेरोजगार कर दिया, कमाएंगे खाएंगे क्या, खाएं क्या, दाल चावल खाएंगे भूखा मरे, सूखा खिलाएगा, पैसा कहाँ से आएगा? ये सरकार किस काम का है? हमारा सरकार महामारा सब क्यों नहीं दे रहा साला, वो बेकारी बगते हैं हम योगी की। अच्छा अच्छा, हमारे सरकार चाहते हैं बस मायावती की सरकार चाहते हैं। हाँ। क्या मायावती के सरकार में जो है शासन अच्छा है क्या? शासन बढ़िया था, टाइट था। अच्छा। सब गरीबों को देख रहे था, ये भी रोजगार कर दिया। अच्छा, फुटबॉल कर दिया सबको। अच्छा, तो योगी के सरकार से काफ़ी नाराज लगते नाराज लगते हैं। अच्छा, तो बेरोजगार कर दिया हम लोग। इनके सरकार में कुछ आपको मिला नहीं फायदा? गेहूँ चावल मिल रहा है, क्या मिल रहा है? गेहूँ चावल मिल रहा है, सूखा खाए। अच्छा, रोजगार बंद कर दिया है तो कहाँ से आएगा? अच्छा, दादा आपका क्या नाम है? रामधन। रामधन, तो जो है 2022 के लिए जो है विकल्प के रूप में मायावती को देख रहे हैं। हाँ। अच्छा, मायावती को अच्छे खासे से पसंद करते हैं। हाँ। इसी के साथ जो है काफ़ी भीड़ है, हम उनसे भी बात करेंगे। दादी जो है जो चुनाव होने वाले हैं, आपका वोट किसको जाएगा, किस पार्टी को जाएगा? हाथी पे। अच्छा, बहन जी को। क्या बहन जी को आप कभी करीब से देखी हैं रैली में या? देखे हैं बहन जी, कई इलाहाबाद देखे। अच्छा, इलाहाबाद गई थी आप, रैली में गई थी क्या? हाँ हाँ, वो धोते होते सब बटवाए रहे। अच्छा, आपको धोती मिला था इसका? हाँ हाँ, इलाहाबाद मिला रहा, देहात में नहीं। अच्छा, इलाहाबाद में। हाँ, इलाहाबाद। अच्छा, तो जो है चुनाव होने वाले हैं, मतलब फिर से आप मायावती की सरकार देखना चाहते हैं? हाँ भैया, हो जाते हैं तो बढ़िया रहा, गरीब का सुनाई होता है। तो आप गरीब हैं, मान के चलिए काम नहीं हो रहा है क्या इनके सरकार में जो चल रही है? ना पिल्सिन लाग में बेटवा, ना भैया हमका लाल कार्ड बनवाया है, दुनिया में क्या बिटिया बेटवा भाई। तो इसलिए जो है यही सब दर्द लेकर आप सरकार को बदलना चाहती हैं? हाँ। अच्छा, जिस तरह से यहाँ पे दादी ने बताया कि हम बसपा सरकार को देखना पसंद करेंगे, तो आइए बात करते हैं, हमारे साथ में दादा भी जुड़ चुके हैं। दादा, आप जो है चुनाव होने वाले हैं 2022 में, क्या सरकार को बदलना चाहते हैं कि नहीं बदलना चाहते हैं, किसकी सरकार देखना चाहते हैं? अरे हम चाहते हैं मायावती की सरकार आए। अच्छा, मायावती की सरकार आए, तो क्या योगी जी से खुश नहीं है या योगी जी के कार्यकालों से खुश नहीं है? अरे जब से मेरे लोग सरकार भाई लॉकडाउन में लगा है। अच्छा, लॉकडाउन में जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे डायरेक्ट प्रमोशन कर दिया गया, कहीं ना कहीं उसकी बात होनी चाहिए। अरे हम कहे जब पढ़ बैन करें जबरदस्ती पास करें, इसका मतलब है? हाँ, यही सब चीज़ें हैं। बेरोजगारी पे क्या बात होनी चाहिए, जैसे पेट्रोल जो है 100 रुपये में है, कड़ू का तेल 200 रुपये में, 225 रुपये में है, तो कम होना चाहिए। कम होना चाहिए, ये कम होने के लिए आप किसकी सरकार बनाना पसंद कर रहे हैं? मायावती की सरकार। मायावती की सरकार। तो चाचा, जो चुनाव होने वाले हैं जी, तो चुनाव में जो है आप किस पार्टी को वोट करेंगे? जैसे बसपा जो मायावती की पार्टी है, और अखिलेश जो है समाजवादी पार्टी है, किसको वोट करेंगे? मायावती का। मायावती को। क्या मायावती अच्छे दिखते हैं या अच्छा कार्यकाल है उनका? अच्छे हैं। अच्छा हाँ, उनका व्यवहार अच्छा है। अच्छा, व्यवहार भी उनका अच्छा, नेचर भी अच्छा है, सब कुछ उनका। हाँ, अब ये बताओ तुम, गरीबी रेखा में कार्ड बना दिए, हाँ 5 किलो इंसान को दे रहे हो महीने में, अभी मान लो लॉकडाउन जब से लगा 10 किलो दे रहे हो, उसके बाद
पाँच ही किलो देते थे ना महीने में, तो महीने में आदमी खा लेगा, बेरोजगार आदमी है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं राशन को लेकर आपको दुख है कि पाँच किलो राशन में हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। अच्छा, मान लो तुम महीने में 10 किलो कर ही दे ही रहे हो तुम, उधर देखते रहिए। हाँ, तो रोजगार जो है अपना, बेरोजगार आदमी तो कर लेगा क्या 10 किलो आटा में, 10 किलो राशन में कर लेगा क्या? नहीं कर पाएगा ना, तो फिर बेरोजगार आदमी को धंधा ही नहीं मिल रहा है। अच्छा अच्छा, बेरोजगारी भी बढ़ी है, महंगाई भी बढ़ी है, फिर तो इसको देखते हुए जो है सरकार बदलना चाहते। अच्छा, किसकी सरकार बदलना चाहते हैं, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, आपसे फिर हम सुनना चाहते हैं। सर, अपन मायावती को चुनना। अच्छा, मायावती को चुनना चाहते हैं, तो पक्का जो है अब की बार मायावती की सरकार बनाना पसंद जी करेंगे जी। अच्छा, हमारे साथ में काफ़ी युवा लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे चुनाव को लेकर, उनकी क्या मंशा, उनकी क्या राय है कि 2000 चुनाव को किस नज़र से देख रहे हैं। तो साथी ये बताइए, जो चुनाव होने वाले हैं किस नज़र से देख रहे हैं, किस पार्टी को सरकार में आना चाहिए, किस पार्टी को नहीं आना चाहिए? पार्टी तो हमारी आनी चाहिए, बस ये बीएसपी की पार्टी के मुखिया जो हैं बहन मायावती हैं, तो मायावती की सरकार देखना पसंद करते हैं। हाँ। अच्छा, जो ये सरकार चल रही है, योगी की सरकार, भाजपा की सरकार, क्या इनके कार्यकालों में कितना काम अच्छा हुआ है, क्या काम क्या हुआ है? हम लोग वही पढ़ाई कर रहे हैं, अभी इस समय कुछ वैकेंसियाँ भी नहीं आ रही हैं, वही बेरोजगार बैठे हैं। बेरोजगारी पर आपकी क्या मंशा है? बेरोजगारी क्या, हमारा काम वही, बस अभी शिक्षा ले रहे हैं, वो शिक्षा के अलावा कुछ काम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे हम, बेरोजगारी तो रहेंगे, बेरोजगारी है, तो सरकार इसीलिए बदलना चाहते हैं। हाँ। अच्छा, किसकी सरकार फिर से बता दीजिए? तो बीएसपी चाहते हैं। अच्छा, बीएसपी की। अच्छा, ठीक है, जहाँ तक देखा जा रहा है, यहाँ पे देखा जाए तो लहर है सिर्फ और सिर्फ बसपा की लहर है। फिर बात करेंगे, हमारे साथ में काफ़ी युवा लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो साथी जो है, अभी चुनाव होने वाले हैं जी, चुनाव होने वाले हैं जो, तो चुनाव को किस नज़र से आप देख रहे हैं? पार्टी को बदलेंगे, जो सरकार चल रही है उनको बदलेंगे या दूसरी पार्टी लाएंगे, नई पार्टी? हाँ, ये सरकार बदलनी चाहिए और बहन जी की सरकार आनी चाहिए। और जैसे कि इनके सरकार में बहुत लोग बेरोजगार हैं, हम लोग भी बेरोजगार हैं, कहाँ जाए क्या करें, तो इनके शासनकाल में जो है वो कानून व्यवस्था तो बिल्कुल चौपट है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, तो हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, तो इनके जाना चाहिए इनको, अब बहन जी को आना चाहिए, बहन जी को आना चाहिए मतलब पूरे समर्थक के साथ। हाँ, बहन जी को आना चाहिए। तो थोड़ा कैमरा पीछे करके दिखाइए कितनी भीड़ है। ये सभी लोग जो चाहते हैं कि मायावती की सरकार आनी चाहिए 2022 में। अब एक बहन, हम उनसे भी बात करेंगे कि किसकी सरकार आनी चाहिए 2022 में? बहन जी की। अच्छा, बहन जी का शासन अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा, उनके कार्यकालों से कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। अच्छा, जो सरकार चल रही है उस सरकार में जितने भी काम हुए हैं, क्या वो अच्छा नहीं हुआ? अच्छा, कुछ और नहीं हुआ। अच्छा, जिस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे सभी नज़र आ रहे हैं बसपाई, जो बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे और बहुजन समाज पार्टी को सरकार के रूप में देखना चाहते हैं। हम एक नए स्थान पे पहुँचे हैं, उसी वीडियो के बीच में हमारे साथ काफ़ी बुजुर्ग महिला, जो हमारी दादी अम्मी लगती हैं, उनसे भी बात करेंगे 2022 के चुनाव को लेकर। जिस तरह से 2022 के चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव में जो है किसको वोट करेंगे माता लोग, जो है ये बताइए, जो आगे सरकार बनने वाली है आप बहन किसको? जी, बहन जी को। हाँ, अच्छा, मायावती बहन जी जीते। अच्छा, ही बस। अच्छा, मायावती और बहन जी, मायावती की सरकार ही बनाना क्यों पसंद करती हैं? पसंद उनके राज में ना गुंडाई हो, ना कोनो परेशानी हो। अच्छा, अजो ना जैसे तो मोदी सरकार हो गया, न कॉलोनी मिलती है, न कुछ मिलता है। अच्छा अच्छा, कहीं काट लेते कि वापस कर देते। अच्छा, गैस इतना महंग हो गया है, कमाई धमाई कहूँ नहीं लागती है, का खिया हमें लड़कियाँ कैसे घर द्वार बनाए, शादी ब्याह करी। कहने का मतलब है, जो है योगी सरकार में आपको काफ़ी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। हाँ। अच्छा, तो जो है सरकार बदलना चाहते हैं? हाँ, सरकार बिल्कुल। अच्छा, सरकार बदलने के लिए जो है आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, और सरकार बदलेंगे, किसकी सरकार लाएंगे फिर से बताइए? मायावती बहन। तो माता जी, आप किसकी सरकार चाहते हैं? मायावती। अच्छा, मायावती की। मायावती, सभी लोग मायावती की सरकार चाहते हैं। हाँ, ऐसा क्या है, मतलब? हाँ, पसंद है। हाँ, अच्छा। हाँ, आप लोग जो है कभी करीब से देखे हैं? हाँ भैया, जो मतलब रैली में या करीब से मायावती जी को देखे हैं? कहाँ हम लोग जा पाए। अच्छा, आप लोग नहीं जाते हैं? नहीं, जाए वाले जात ही देखा थे। अच्छा। हाँ। लेकिन अब की बार जो है वोट आपको, आपका जो है वोट बीएसपी को ही जाएगा, मायावती को जाएगा? हाँ, सरकार मायावती को देखना। बहुत खुश हम लोग वही। अच्छा, बहुत खुश हैं उनके शासन काल में जो है, अच्छा लगता है आप लोगों को? हाँ हाँ। अच्छा,
तो इसी कड़ी के बीच में हम एक और दादी अम्मा हैं जो चाची हैं जो भी लगे उनसे भी बात करेंगे कि उनका वोट किस पार्टी को जाएगा, जो चुनाव होने वाले हैं आपका वोट किस पार्टी को जाएगा? बहन जी के तो। अच्छा, बहन जी को। माया जिस तरह से देखा जा रहा है लगातार सभी लोग बसपा को वोट दे रहे हैं, बहन मायावती जी को वोट दे रहे हैं, तो क्या वहीं सपा है भाजपा है उनको क्यों नहीं पसंद करते हैं, उनके काम अच्छे नहीं हैं? अब अच्छा नहीं ना तब तो। अच्छा अच्छा, दिक्कत है सबके तो दिक्कत होता। अच्छा, अच्छा। है जमना। अच्छा, ये जो कतरी सिल रही हैं दिखाइए इसको, दूसरे का है या घर का है? अपन। अच्छा, अपना है। हम ये सोचे कि दूसरे का नहीं सिपाही बच्चे। जो महंगाई है, तेल है, दाल है, बहुत महंगा है भैया, कहाँ से जो ना है पूरा हो, ये कमोइये में अब वो काम बराबर नहीं लगता है, कहाँ से पूरा हो, काम भी बराबर नहीं लग पा रहा है और महंगाई भी तड़के पे है, महंगाई ज्यादा है। दादी क्या चीज? पानी पिएगा हम लोग का ठिकान नहीं। पानी पीने का भी ठिकान नहीं है, कहने का मतलब है पानी का भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। ये गांव जो है शिवगढ़ है, शिवगढ़ बाजार है, हम यहाँ पे हैं बात करते हैं। फिर जो है इसी स्थिति में जो महंगाई बेरोजगारी है, किसकी सरकार लाना पसंद करेंगे अगली बार? अभी है तो कहा जाता है मायावती। अच्छा, अभी सुनने में आया कि मायावती को सभी लोग वोट देते हैं, लेकिन जो है हाँ भैया पता नहीं कैसे वो ज्यादा का मोदिया करे है कि जो ना है सब वोटवा पड़ा था इनके पास जीत जाता वोट दे ही नहीं पाता ना कैसे चला जा, पता नहीं का करा था। जिस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है काफ़ी लोग जागरूक हमको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो ईवीएम के बारे में भी काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं। वो बता रहे हैं कि वोट हम बसपा पे देते हैं, हाथी पे देते हैं और वोट कहीं चला जाता है। इस सीएम योगी की आदित्यनाथ की इस सरकार से आप खुश नहीं हैं क्या? नहीं। अच्छा, ऐसा क्या हुआ जो खुश नहीं है? खुश का कि हमारे लोग का विधवा का लोग का पैसा आवत रहन पिलसित वो बंद हो गया। हाँ, 1000 जो ना है कहाँ से गरीब मने पावें कि 1000 हो तो गैस भरावें। हाँ, कहाँ से पावें गरीब मने? कहने का मतलब है जो है ये रोज कमाने और खाने वाले लोग हैं, 1000 रुपए कहाँ से पाए और जो गैस का पैसा चुक्त कर पाए, तो जो है यही सब बेरोजगारी और महंगाई पर। दादी आपको जो राशन मिल रहा है उस पर क्या बात कहेंगे? जो 5 किलो राशन भी तो दे रहे हैं मोदी जी। अरे तो 5 किलो करो संगत तेल मसाला हुआ 5 किलो चौरा किलो चबाई के रहा गहुआ किलो चबाई के रही गरीब मने। आप उतावले मत होइए, हम बात कर रहे हैं। गरीब मने का हुआ चौरवा गहुआ ही खाई के रही का सूखा ही। अच्छा अच्छा, अब अगर संगत हो चाहे तेल मसाला साग सब्जी या कुछ हो चाहिए ना, अब विधवा पिलसी ना होते वो बंद है कि हाँ वो 4 पैसा बात खरीद के लिए खाई तेल मसाला। कहीं ना कहीं दादी आपको बड़ा महंगाई का जो है सामना करना पड़ रहा है, तो सरकार बदलना चाहती हैं आप? का सरकार किसकी सरकार लाना चाहते हैं फिर से बता दीजिए। बहन जी का। अच्छा, बहन जी की सरकार लाएंगे तो क्या अच्छा काम होता है उनके शासन का? बिल्कुल अच्छा अच्छा काम हो भाई करी। अच्छा, इसी के साथ हमारे साथ में और भी बुजुर्ग दादा, हम उनसे भी बात करेंगे। चाचा जी ये बताइए, आपकी बार जो चुनाव होने वाले हैं तो उस चुनाव को लेकर आप किस नज़र से देख रहे हैं, किसकी सरकार आनी चाहिए? जो सबका भला करे उसकी सरकार चाहिए। आपके नज़र में ऐसी कौन सी सरकार है जो सबका भला करती है शासनकाल में रहकर? हमें तो बसपा पसंद है और बसपा का ही का मतलब तो। हाँ, बहन जी की सरकार। बहन जी की सरकार। मैं ये देख रहा हूँ लगभग पूरे गांव से निकल कर आ रहा हूँ। हाँ, सभी लोग बसपा ही हैं क्या इधर? हाँ, इधर बसपा हैं सब। अच्छा अच्छा, ये बसपा का गढ़ माना जाए फिर? हाँ, अच्छा बसपा का गढ़ है। अच्छा, इसका मतलब कहने का मतलब है अब की बात जो है पूरी उम्मीद के साथ जो है बसपा सरकार आएगी। हाँ, बिल्कुल आना चाहिए। बहुत अच्छा लगा इस गाँव में। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करिए।